हेलो स्टूडेंट्स, आ जाओ जल्दी से। आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। तो जैसा कि आप जानते हो, शाम को 7 बजे से ये क्लास रोज। हाँ, तो लेकिन हर रोज 7 बजे आप पढ़ते हैं कक्षा 9 वाली मैथमेटिक्स ना। लेकिन आज है संडे, तो संडे को कुछ अलग होता है। तो चलो देखते हैं। आशीष मेरा जी जुड़ गए हैं। भाई आशीष जी, तुम खूब पढ़ाई कर रहे हो, बड़ा ईमानदारी से यार। रिंकी सिंह, उजाला मौर्य, नेहा प्रजापति और भी बहुत से बच्चे जुड़े हैं। सभी जल्दी से फटाफट शेयर कर दो क्लास को, बहुत जल्दी करिए। और हाँ, अपने साथियों को भी शेयर करो, जिससे कि वो सब आ जाएं। चलिए, तो बीजगणित में हम बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए, जैसा कि ये जीरो लेवल मैथ का आपका एक प्रकार से तीसरा क्लास है, क्लास नंबर थर्ड है। प्रीतम सिंह भी जुड़ चुके हैं, और कौन जुड़े हैं भाई, कविता। चलिए सवाल देखिए, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के ये सवाल है मैथमेटिक्स के। अगर आपको नहीं आता गणित में, तो टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ देखना है, ईमानदारी से सब कुछ आएगा। पहला सवाल लिखो, 2x ब्रैकेट में 3x प्लस 5y, 2x 3x प्लस 5y, उसके बाद क्या करोगे, ध्यान दो, माइनस का 5y और 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, इनको क्या करना है, हमको इनको हल करना है, सरल करना है। कर लोगे सभी, जल्दी बोलो यस या नो। धर्मराज विश्वकर्मा जी, कर लोगे कि नहीं, इनको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। देखो ये कक्षा 7 की किताब का सवाल एक प्रकार से, क्लास 7 के लेवल का है। अब ध्यान दो इनको कैसे करेंगे। यार बच्चे बहुत कम जुड़ रहे हैं भाई, क्या बात है, ऐसे मज़ा नहीं आएगी, फिर हम नहीं पढ़ाएंगे, जान लो। अगर तुम लोग क्लास को शेयर नहीं करोगे, नहीं पढ़ना चाहते हो, तो बता दो ना पढ़ाएं, क्या मतलब है। मैंने कई बार बताया कि अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में क्लास को शेयर कर दो, आपके जो फेसबुक पे लिंक शेयर कर दो, ट्विटर इंस्टाग्राम जो भी चलाते हो, हर जगह शेयर करो, जिससे कि बच्चे जुड़े ना, तभी तो मज़ा आएगा। और बच्चा ही नहीं जुड़ेगा कौन हो तो कौन पढ़ाएगा भाई, बताओ। अभी स्टार्ट किया है, हाँ अभी स्टार्ट किया, बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसमें पहले क्या करोगे, सबसे पहले अंदर में मल्टीपल करोगे, तो मल्टीपल कर लो सीधा सीधा। अर्पिता जी आ रहा समझ में, नितिन कुमार, देखो ध्यान दो आप सभी बच्चे, जो भी बच्चे जुड़े हैं ठीक है, शेयर करो ना यार जल्दी से, ऐसे मज़ा नहीं आ रही, फिर कैसे पढ़ाएंगे हम, बताओ। सभी बच्चे शेयर करो, जल्दी शेयर करके आओ, तुरंत आओ, तुरंत फटाफट शेयर करके आओ, जल्दी करो, उसके बाद ही हम शुरू करेंगे, नहीं तो हम पढ़ाएंगे नहीं। जाओ इसको, जाना जाओ, चले जाओ तुरंत भाई। शेयर करोगे तो बच्चे आएंगे, संख्या जुड़ेगी, तो क्लास देर तक चलेगी, मज़ा आएगा। हम पढ़ा रहे हैं, केवल 10 मिनट पढ़ाएंगे, अगर शेयर नहीं करोगे, बच्चे 50 के ऊपर नहीं गए तो नहीं पढ़ाएंगे। शेयर नहीं करोगे, बच्चे 50 के ऊपर नहीं जाएंगे, तो हम नहीं पढ़ाएंगे। चलो देखो, तब तक बता दे रहे हैं। इसका गुणा करो 2x का, किस में करोगे भैया, पहले एक बार 3x में करो, फिर 5y में करो, मतलब दोनों में आप बारी बारी वन वन टाइम करो। देखो जैसे कि अगर हम यहाँ पे आपको करके दिखा दें, जो कमज़ोर बच्चे हैं, 2x का जब 3x में आप करोगे, तो आपको पता है पहले हम गुणांक गुणांक का गुणा कर लेते हैं, जो कांस्टेंट होता है ना, तो आप क्या करोगे, 2 का मल्टीपल करोगे किस में, 3 में, तो आपको पता है 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 × 3 = 6 हो जाएगा, और गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो ये x का घात 2 हो जाएगा, जो वेरिएबल्स वाला है, तो ये हो जाएगा 6x का घात 2। इतना समझ में आ रहा है, सभी बच्चे शेयर करो, संख्या जुड़नी चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, फिर क्लास आगे नहीं चलेगी, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, याद जान लो। चलो ये हो गया 2x का 3x में, अब बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो, और उसके बाद में अब इसी का मल्टीपल आप बीच में करो, तो 2x का मल्टीपल 5y में करोगे। वैसे जैसे कि हमने ऊपर वाला करके लिखा था, तो आप इसको पूरा कंप्लीट करके लिखो, ये 5y। चलो
नीचे दिखा देते हैं, 2 का 5 में कर लो, 2 पंचे 10 और ये एक्स वाई, तो कितना हो जाएगा 10xy। मिस्टर धर्मेंद्र जी अभी अभी आप जुड़े हो ना, पिछली क्लास नहीं देखे हो तो उसको देख लो, चैनल पे है, तब आपको आएगा समझ में। तो आप क्या करोगे फाइनल में, यहाँ पर आप कम्प्लीटली 10xy लिख लो। ये हमने एक पद हल कर लिया, मतलब 2x का मल्टीपल पहले वाले कोष्टक में पूरा कर लिया। अब हम दूसरा वाला पकड़ेंगे और इससे कोष्टक में दोनों में हल करेंगे। जैसे कि आप वो करते हो, क्या बोलते हैं उन्हें, जब आप गुणनखंड करते हो, आपको पता है कि नहीं पता, पहले ये बताओ, पता है ना, जैसे आप फैक्टर लेते हो जब, उसी तरह के एक प्रकार से कहने का ये मतलब है, इसको इस तरह से आप एक्सप्लेन करो कि बाद में फिर जो आंसर आए उससे क्वेश्चन बन जाए। उमेश मौर्य जी बताइए, समझ में आ रहा है? आ रहा है, चलिए। माइनस इसका गुणा करो इसमें, 5y का गुणा जब 2x में करोगे तो आपको पता है कि 2 पंचे 10 हो जाएगा, और x और y दोनों अलग अलग अगर वेरिएबल्स हैं तो वो आपस में गुणा करने पे किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं है, तो बगल बगल आप उनको ऐसे लिख दोगे, मतलब ना तो उनकी घातें जुड़ेंगी ना ही उनमें कोई मतलब नया पद बनेगा। अर्पिता सिंह का उत्तर भी आ गया, राम बरन आपको भी आ रहा है, चलिए। और एक बात यहाँ पे ध्यान देना है, पहले माइनस का चिन्ह है तो जब ये कोष्ठक खोलोगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो जाता है, ये चीज़ आप ध्यान दो। तो इस तरह से आपका ये 5 3 15 हो जाएगा, और ये वाई, एक वाई ये है, एक ये है, यहाँ पे मैं नीचे करके दिखा दे रहा हूँ। 5y का मल्टीपल माइनस 3y में करोगे तो भैया ये देखो, माइनस 5 और माइनस 3 दोनों माइनस माइनस है, दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 15, और ये y एक घात ये, एक ये मिलके 2 घात हो जाएगा, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। करना क्या था, कह रहा था इसको सरल कीजिए। आयुष सिंह बिल्कुल आपने सही कर लिया है, रवि वर्मा बिल्कुल ठीक है आपका भी लगभग, तो इतना हो गया। अब इसके आगे अगर कोई जोड़ घट रहा है तो आप जोड़ घटा दो, नहीं जोड़ घट रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसे करते चलो आगे। दूसरा सवाल यहाँ से हम देखते हैं, इसके आगे अभी ये जुड़े घटेगा क्योंकि कुछ इसमें सजातीय पद हैं, जो लाइक टर्म्स हैं आप जानते हो, उनको आप कुछ ना कुछ करोगे, जो भी होंगे जुड़ेंगे या घटेंगे। इसमें सजातीय पद बताओ सभी बच्चे, चलो जल्दी करिए बताइए। अगर हम देखें तो 10xy और ये 10xy दोनों हर तरह से समान हैं, दोनों हर तरह से समान है ना, तो एक प्लस में है एक माइनस में है, इसको पूरा पूरा आप कटा मतलब काट सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, या फिर घटाओगे तो वैसे भी ख़त्म हो जाएगा ये, तो आपका 6x का स्क्वायर और ये प्लस 15y का स्क्वायर आएगा। ठीक है, नोट कर लो फट से, जल्दी करो, हो गया ना इतना। चलिए आप सभी इसको लिखते चलो, देर मत करो एक भी मिनट के लिए। तो बच्चे सभी लिखो, छाप लेना तो बता देना कि हाँ मैंने लिख लिया, छाप लिए ना सभी, चलो जल्दी से लिख लो एक मिनट, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं। चलिए जल्दी करिए, लिख लिए सभी, चलिए छाप लिए, बहुत अच्छे, छापने में बहुत तेज हो, लिख मतलब समझ में आए चाहे ना आए, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो पहले छापबे करते हैं बैठ के। बस भाई पहले जब हम समझाएं तो आप लोग समझा करो, सिर्फ छापने के चक्कर में ना रहा करो कि हाँ जल्दी जल्दी लिख लें, बस लिख के रखोगे तो समझ में आएगा नहीं, अगर समझ लोगे तो खुद से भी कर पाओगे। तो जो बच्चे बहुत जल्दी छाप रहे हैं उनके लिए है ये विशेष रूप से, कि वो छापें जरूर लेकिन पहले समझ लें बाद में। तो चलो ठीक है, अब हम अगला सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं, जैसा कि आपको पता है इन सभी सवालों को क्या करना, सरल करना है, सिंप्लीफाई करना है। लिखो x इंटू वाई माइनस जेड,
बहुत ही सिंपल सा सवाल है सभी बच्चों के लिए। x इंटू वाई माइनस जेड, अगला लिखो प्लस टू वाई और जेड माइनस यक्स, प्लस टू वाई जेड माइनस एक्स, इसमें और भी है प्लस जेड और एक्स माइनस वाई, ये हो गया आपका पूरी कहानी, सवाल पूरा हो गया। अब इसका आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, चलो सभी बच्चे ट्राई करेंगे, बताइए जवाब दीजिए। मिस्टर उपेंद्र आपको आ रहा कुछ समझ में कि बस वही से देख रहे हो? निशांत चौहान, निर्देश यादव, रवि वर्मा, देखो भैया जवाब दो यार बाबू, ठीक है उत्तर दो, अगर नहीं आ रहा तो बोलो नो, नहीं आ रहा तो नो लिख के कमेंट करो कि नो का मतलब कि हाँ आपको कुछ नहीं आ रहा है, जवाब दो फट से जवाब दो, अगर 2 सेकंड बफरिंग हो जाता है तो भागना मत नहीं क्लास छोड़ के, ठीक ना, चलें। नो अफ्सा पासवान, कौन है भैया, अफ्सा परवीन भी हैं, एम्बू अरमन, निशांत, नेक्स्ट, कमाल के बंदे हो यार, अरे इसका उत्तर बताओ पहले, नेक्स्ट बाद में करना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिखना भी दिक्कत कर रहा है का कुछ, आंसर दो पहले जो सामने लिखा है, नेक्स्ट बाद में चलना। देखो रिंकी सिंह का आंसर आ गया, रिंकी सिंह, और भाई यस भाई आपको भी कुछ आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, देखो ये मल्टीपल करोगे बच्चा यक्स का वाई में, तो आपको पता है ये यक्स वाई हो जाएगा, और ये प्लस का एक्स माइनस का जेड मल्टीपल करोगे तो माइनस का एक्स जेड होगा, ये ठीक है इतना। अब ये टू आई है, क्या है ये, टू आई है, इतना क्लियर है। अब टू आई का मल्टीपल जेड में करोगे बच्चा तो ये हो जाएगा टू आई इंटू जेड, लिखते जाओ फटाफट, आगे बढ़ते हैं हम, हमने टू आई का मल्टीपल जेड में कर लिया, अब प्लस टू आई का मल्टीपल माइनस के एक्स में करोगे तो माइनस का 2i इंटू एक्स, इतना आ रहा समझ में, लिखते चलो। ये 2i का मल्टीपल हो गया पहले, इसमें हो गया z में फिर x में, अब इस पे आ जाओ प्लस, z का मल्टीपल x में करोगे तो xz होगा, कितना होगा भैया xz, अब z का मल्टीपल y में करोगे तो प्लस माइनस माइनस yz, देखो इसमें कुछ कट पिट जाएगा, कुछ बचेगा, थोड़ा सा बचेगा बस। चंद्रहास गौतम जी बताइए कुछ समझ में आ रहा थोड़ा मोड़ा कि नहीं आ रहा, बस वैसे चल रहा है, ध्यान दो अब इधर साइड में क्या होने वाला है, एक्स वाई देखो है कोई इसमें और कहीं, एक बार इसको गुणा पूरा कर ले हम, चाहे नहीं वैसे भी काट दो आप, ये देखो धन एक्स जेड और ये ऋण एक्स जेड, ये कट जाएगा, तो भैया एक लाइन और बढ़ा लो पहले, एक्स वाई प्लस टू वाई जेड माइनस टू एक्स वाई माइनस का वाई जेड, इसमें तो कुछ नहीं कटेगा ना, अब तो तुम लोग कैसे बता रहे हो यार, गड़बड़ मतलब कर रहे हो का, अभी और भी कुछ कटेगा इसमें, और भी कुछ कटेगा ना इसमें, हाँ इसके बाद अगला सवाल हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आप इसमें दिमाग लगाओ पहले, और क्या कटेगा, कितना आएगा, ज्योति कुमार, रजनी देवी, रिंकी, रंजीत, भाई बताओ इसमें और कुछ कटे पिटेगा का, एक बार मैं सवाल फिर से मिला लेता हूँ, कहीं गलत तो नहीं लिखा गया उतारा गया है, देखो क्वेश्चन में फिर से अगर एक बार मिला लेता हूँ, आप लोग ध्यान दो, x इंटू वाई माइनस जेड प्लस टू आई जेड माइनस एक्स और प्लस का जेड x माइनस वाई, सवाल गलत नहीं है, ठीक है ठीक है सब ठीक है, जो लिखा गया था वही मैंने लिखा है, फिर एक्स वाई माइनस एक्स जेड, ये तो देखो दोनों कट गए, और कोई कटेगा कि नहीं बोलो, एक्स वाई वाई जेड कटेगा भाई, एक्स वाई से वाई जेड नहीं कटेगा बच्चा, ऐसे कैसे होगा,
जब एक समान होता तभी कटता है, ऐसा नहीं होगा जैसे आप बता रहे हो। मुझे इसमें कुछ कन्फ्यूजन लग रहा है। हाँ, कन्फ्यूजन कहाँ लग रहा है वो देखो बच्चा लोग, ये एक्स वाई है, ये टू एक्स वाई है, आगे बराबर लगाओ, ये घटेगा तो माइनस एक्स वाई बचेगा, ये और ये घटेगा तो प्लस वाई जेड बचेगा। इसको भी छोड़ सकते हो या फिर माइनस वन से गुणा करके आप चिन्ह चेंज कर सकते हो, कटेगा नहीं लेकिन घटेगा। हाँ भाई, कटना और घटना में अंतर होता है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा लेकिन वो उसमें से घट जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लिख लो, जल्दी से छापो फटाफट। आलिया अंसारी कुछ समझ में आ रहा है? दया शंकर रोस्टर बताइए, जल्दी छाप लो, 1 मिनट का टाइम है, आधा मिनट मतलब 20 सेकेंड। स्क्रीनशॉट ले लो, जो बच्चे अगर नहीं लिख पाते हैं तेजी के साथ तो स्क्रीनशॉट निकाल लें, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी करिए सभी, ठीक है चलिए आगे चलें। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, अब अगले पे चलते हैं। इस तरह से कुछ और भी सवाल कर लो आप लोग, जिससे कि आपका ये एक्सरसाइज मतलब हो जाए, कुछ अभ्यास हो जाए तो आप सबको आने लगे, मतलब फिर आपको दिक्कत ना हो। चलो ध्यान दो, अब इधर साइड में ध्यान दो, कैसे एक सवाल और लिखो। अब की बार इसको तुम लोग खुद से करोगे, हम नहीं बताएंगे। वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस वन, सभी लोग को सिंप्लीफाई करना है इसको और आंसर बताना, थर्ड नंबर मान लो। आगे लिखो, माइनस वाई का क्यूब इंटू वाई प्लस वन, इंटू वाई प्लस वन। सर सर सर, चलिए इसको इतना कर लोगे कि नहीं? इसमें यार लेकिन और भी है भाई, अभी अभी और भी है, थोड़ा सा है आधा इसका। अब वाई और वाई स्क्वायर माइनस वाई, ये पूरा अब जाके हुआ। इसका आंसर सिर्फ एक पद में आएगा, संदीप यादव, आशीष यादव। भाई अभी आप लोग काहे जुड़ रहे हो इतना देर में, फिर बीच से आओगे तो कुछ पल लेना पड़ेगा। चलो जल्दी करो इसको फटाफट, ओनली वन पद में इसका आंसर आएगा, बहुत छोटा सा आएगा, सिर्फ आपको हल करना है थोड़ा से बस। चलिए जल्दी बताइए, जवाब दीजिए। और देखो जो बच्चे अभी अभी आ रहे हैं व्हाट्सएप के ग्रुप में लिंक शेयर करने से, वो ये जान लें कि चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हर रोज ये क्लास शेयर नहीं हो पाती हर दिन, तो फिर आप क्लास नहीं देख पाओगे, या फिर व्हाट्सएप के ही भरोसे बैठे रहो तो पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको खुद से पता चलेगा ना कि क्लास चल रही, तब फिर आपको ग्रुप के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी लिंक शेयर नहीं हो पाती ग्रुप में, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ आज, तो अभी आ रहे हो आधा घंटा बाद। चलो ठीक है, इसमें भी एक एक में गुणा करना है, फिर एक नया पद बन जाएगा, फिर कुछ कट पिट जाएगा, कुछ बच जाएगा। अब हो सकता है इसमें कुछ ना बचे। y का गुणा करोगे भैया y का स्क्वायर में, आपको पता है गुणा करने पे घाते जुड़ जाती हैं, वन वन पावर जुड़ेगा इसमें का तो 213 हो जाएगा, तो ये फाइनल में y का क्यूब हो जाएगा, और प्लस y का स्क्वायर का गुणा वन में करोगे तो y का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल लगा लो यहाँ पे, ये पहला वाला हो गया क्लियर। और यार जो बच्चे अभी जुड़े हैं भाई, लाइक भी करो क्लास को ना, मतलब अगर हम बार बार कहें तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बिना कहे करते नहीं, मुसीबत तो ये है। चलो माइनस वाई का क्यूब का जब वाई में करोगे तो वाई टू द पावर 4 हो जाएगा, और माइनस वाई का क्यूब का 1 में करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा वाई का क्यूब, प्लस वाई का स्क्वायर का जब आप गुणा वाई में करोगे तो भैया ये आपका वाई का क्यूब बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस y का गुणा जब y में करोगे तो y का स्क्वायर बन जाएगा। इसका आंसर वेरी सिंपल सा आएगा, सिर्फ छोटा सा आएगा, एकदम प्यारा सा। देखिए श्वेता सिंह का आंसर भी आ गया, निर्देश यादव ने सिर्फ y कमेंट किया,
रवि वर्मा जी, इसमें यस नो नहीं लिखना बच्चा, ठीक है? उत्तर बताना है तुमको, केवल यस नो करने से काम नहीं होगा। देखो अब तो आ गया लगभग, देखो ये प्लस है वाई का क्यूब, ये माइनस है, कट गया वाई का स्क्वायर, यू कट गया और ये भी कट गया, कौन सा एक बच जा रहा है का, एक बच रहा है ना, इसका मतलब आंसर तो बच जा रहा है यार कुछ ना कुछ। चलो जो बच गया उसको लिख लो, y घात 4 और ये प्लस y घात 3, इस हिसाब से तो ये आ जाएगा, लेकिन इसमें एक बार क्वेश्चन मिला लो कहीं कुछ प्लस माइनस सवाल तो गलत नहीं लिखे थे। देखो y का स्क्वायर और y प्लस 1, हाँ ठीक है जो आया है वो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो सवाल में इसमें दिया है उसमें थोड़ा सा अंतर है, ये जो आया इतना ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यही आएगा, इसमें कुछ नहीं करना। लेकिन अगर यहाँ पर y का स्क्वायर कर दिया जाए तो ये जो बच रहा है वो भी कट जाएगा, फिर ऐसी स्थिति में आपका शून्य आ जाएगा, ये चीज़ आप सभी समझ के चलेंगे। चलिए हो गया, लिख लिए, चलो ठीक है। एक सवाल और लिखो, ऐसे ही एकदम सेम टू सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर होगा इसमें, बस एक सवाल और लिखो। अब की बार आप यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, बस y का स्क्वायर लगा दो बीच में, और उसके बाद में क्या करोगे ध्यान दो, y प्लस 1 एंड y का स्क्वायर माइनस y, हाँ चलो ठीक है। अब देखो इसका आंसर पूरा बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जगह घात 2 हो गई जो कि पिछले सवाल में 1 थी, तो भाई सिर्फ एक पॉइंट बदलने से मैथ में सारा मान चेंज हो जाता है। अब कितना आएगा, शशि कश्यप ने बिल्कुल बताया सही, शून्य आएगा। अब हाँ, क्योंकि जो एक पद बच जा रहा था अब वो भी कट के निपट जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा। अब देवराज सिंह जी बिल्कुल सही, वही चीज़ मैं शुरू में करने वाला था लेकिन मिस्टेक से थोड़ा सा सवाल बदल गया था, तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, आपने एक नया सवाल सीख लिया उसके बहाने। हाँ लेकिन अगर पहले ही मैं लिखा होता वही तो किताब में वही था, शून्य ही आएगा। तो y का स्क्वायर का मल्टीपल होगा तो ये 4 हो जाएगा, प्लस ये y का स्क्वायर और ये माइनस y का पावर 4 और ये माइनस y क्यूब का 1 में, तो y क्यूब प्लस y का y स्क्वायर में करोगे तो y क्यूब और माइनस का ये y का स्क्वायर। अब देखो इनको हल करना और आसान है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है चलें आगे। ध्यान दीजिए इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ निसंकोच। चलो ठीक है आगे बढ़ें। चलिए अब देखो इसमें सब कट जाएगा भैया, इसमें सब कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, शून्य आ जाएगा, एकदम जीरो आ जाएगा। कुछ लोग इसको देख के पहले ही डर रहे थे, बच्चे कितना बड़ा सवाल है, इतना बड़ा सवाल है कैसे आएगा, तो बच्चा देखो ये बहुत आसान होता है, जो बड़ा होता है ना वो ज़रूरी नहीं कि सबसे मतलब कठिन है, अगर उसका तरीका जानोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 4 और ये 4 कट गया, चिन्ह अलग अलग हैं, ये स्क्वायर स्क्वायर कट गया, चिन्ह अलग अलग हैं, यहू बच्चा कट गया, सब कट के सुनना आ गया, आ रहा समझ में ना? तो अब ये जान लो तुम लोग को हम कुछ सवाल दे रहे हैं, उसके बाद 5 मिनट के लिए लंच होगा और सभी क्या करोगे, चैटिंग करना, आपस में बातचीत कर लेना, लेकिन कोई जाएगा नहीं, ठीक है? जिनको लिखना लिख लो, समझ रहे हो ना, सभी लोग सहमत हो ना, सिर्फ 5 मिनट के लिए घड़ी देख के जब हम क्वेश्चन देंगे उसके बाद में। चलो क्वेश्चन लिखो, 5 क्वेश्चन सभी बच्चे ट्राई करेंगे, 5 मिनट बाद फिर हम नए क्वेश्चन देंगे, तब तक इसको करना और फिर आएंगे तो दिखाना। चलो जल्दी करो, फटाफट लिखो, एकदम छोटा छोटा सवाल है, एकदम छोटा, हो गया ना? देखो यार आप लोग स्क्रीन शॉट ले लिया करो, थोड़ा जल्दी होगा, अगर लिखने के पीछे पड़ोगे तो लिख नहीं पाओगे, फिर वीडियो को रोक के लिखना पड़ेगा,
और वीडियो अगर रोकोगे तो फिर हमारे साथ लाइव नहीं चल पाओगे, फिर आपका जो कमेंट है वो बाद में आएगा लेट में। ध्यान दो, सवाल लिखो, एक्स इंटू वन प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू वन प्लस एक्स का स्क्वायर, एक्स इंटू वन प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और एक्स माइनस वन, ये हो गया ना बच्चा, माइनस एक्स का स्क्वायर एंड एक्स माइनस वन और माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर, ये एक नया सवाल है। सभी छात्र इसको कर लेंगे, पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से कर लोगे, इसको आ भी जाएगा आपको, तो इसको करके और मुझे बताना। अगला सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग चलो, टू एक्स वाई और एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई, जल्दी फटाफट लिखो और करते जाओ इनको। मिस्टर रवि वर्मा जी, आ रहा कुछ समझ में? ये 5 मिनट के अंदर आपको सवाल करने हैं जो मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, 2-3 नहीं आएंगे तो बिल्कुल टेंशन मत लेना बच्चा, सिर्फ कोशिश करना है बस आप लोग को, ओनली ट्राई करना है बस, सिर्फ और सिर्फ ट्राई करना है। टू एक्स इंटू माइनस का 10xy का स्क्वायर और इंटू, देखो मैं उधर फाइट जाता हूँ, ये गड़बड़ है, मैं क्वेश्चन का जो है सिस्टम इसे मैं पीछे रख लेता हूँ जिससे आप लोगों को बीच में ना आना पड़े ना। चलो हाँ, तो मैंने इसको पीछे कर लिया है, इंटू थ्री एक्स का स्क्वायर वाई, इसको करो सभी बच्चे, चलो फटाफट करो इसको। इसको कर लो और एक और छोटा सा देंगे, एकदम नन्हा सा, एक्स का पावर 0 अगर हो तो इसका मान क्या होगा, मैंने बहुत बार बताया है। सभी बच्चे इसको जल्दी से कर लो, 5 मिनट के बाद हम अगला सवाल देंगे, 5 मिनट का टाइम है और कोई आपस में बहस नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग सवाल करेंगे, ठीक है? 5 मिनट बाद फिर इसके आगे क्लास हम चलाएंगे, ठीक है? 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, और अगर जो भी होगा 5 मिनट बाद आपको बताया जाएगा, ठीक रहेगा ना? चलो सभी बच्चे जवाब दो। अवंतिका पटेल, अभी अभी आप जुड़ रही ना, जो अभी अभी जुड़े उनको नहीं समझ में आएगा, लेकिन ट्राई करो। तो 5 मिनट का मतलब 7:32 पे लगभग हम फिर से आएंगे, सवाल देंगे, ठीक है? 7:32 पे।
तो कर लिए सभी यार। ये 15 बच्चे का है भाग गए यार, जो खच्चर टाइप के हैं, मेहनत नहीं करना चाहते ना, ये सब भाग जाते हैं। मतलब इनको लगा कि हम गए तो वो चल दिए। देखो 55 से कितना हो गए, 40। अच्छा बढ़ रहे हैं फिर। मतलब तुम लोग जान रहे थे कि हम 5 मिनट नहीं रहेंगे, तो चलो 5 मिनट बंदी कर देते हैं। चलो ठीक है, सारा कर ली। चलिए नाम वो आंसर बताइए, पहले का कितना आया? सभी बच्चे बताओ फर्स्ट वाले में कितना आया। देखो फर्स्ट का जो है ना, बहुत छोटा सा आंसर आएगा, एकदम छोटा सा। हाँ ये जो 7 के बच्चे हैं वो जान लें भैया, कक्षा 7 वाले बुक से ही था ये। अगर कोई है तो बाकी ये जो कंपटीशन वाले या और बच्चे हैं उनको तो कोई मतलब नहीं इससे। फर्स्ट वाले में कितना आया भाई? जिनका 0 आया उनका सही है, फर्स्ट वाले में 0 आएगा, क्योंकि इसका गुणा करोगे तो ये सब कट पिट के ख़त्म हो जाएगा। कुसुमा जी का सही है, निर्देश का भी सही है भाई, नेहा एस वाई और कौन है जो भी कमेंट आ रहे हैं, देखो जल्दी जल्दी आ रहे हैं, इस वजह से छूट जाता है। आशीष चौहान, धर्मराज विश्वकर्मा, रवि वर्मा, आशीष चौहान, ठीक है, लगभग सबका ठीक है। अगला जो सवाल है इसको देखो मैं एक लाइन में कर देता हूँ, कुछ है नहीं बड़ा, कुछ बहुत छोटा सा है ये। देखो इसमें यक्स है, वाई है, इसमें क्या है भैया, सिर्फ एक्स का स्क्वायर है, तो इसकी घात 1 और इसकी घात 2, आपको पता है गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं, तो ये 2 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसका गुणांक 1 है, तो ये तो चेंज नहीं होगा, तो यक्स की पावर 3 हो जाएगी, चूँकि वहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 हो जाएगी। और ये जो वाई है ना बच्चा, ये ऐसे अकेले उतर जाएगा क्योंकि इसका कोई जोड़ीदार नहीं, किसी में गुणा नहीं हो रहा है, ये हो गया आपका। अब ये 2xy का मल्टीपल 3xy में करोगे तो आपको पता है गुणांक, गुणांक का गुणा होता है, गुणांक को कोफिशियंट बोलते हैं ना, तो क्या करोगे 2 का 3 में करोगे तो ये प्लस माइनस माइनस 6 हो जाएगा। एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे भी एक्स की पावर 1 और वाई की 1 है, तो दोनों घाते जुड़ के क्या हो जाएंगी, यक्स का स्क्वायर एंड वाई का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देखो यार बच्चे नहीं जोड़ोगे, अगर बच्चे कम रहेंगे तो क्लास हम छोटी कर देंगे, याद रखना। जो 1 घंटा पढ़ाने को बोले फिर हम आधे घंटा ही पढ़ाएंगे, 20 ही मिनट पढ़ाएंगे। अगर ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो हम 1 घंटे की बजाय लगातार 2-3 घंटे पढ़ा देंगे, पूरा बेसिक फ्री में पढ़ा देंगे यूट्यूब पे। लेकिन तुम लोग शेयर करोगे तब ना, जब 50 लोग रहोगे, 40 लोग रहोगे, 10-20 लोग रहोगे तो ऐसे नहीं चलेगा फिर। अरे यार कम से कम एक क्लास में 100 से ज़्यादा तो होना ही चाहिए। हाँ छोटा चैनल है ठीक है, लेकिन तुम लोग यार क्या फिर जानते नहीं हो क्या? सबको पता है ना इसका मान 1 आएगा लास्ट वाले का, लास्ट वाले का मान 1 आएगा। चलो इसको देख लो, इसका इसमें गुणा करोगे तो ये घात 1 है, ये भी 1 है, तो 2 × 20 हो जाएगा, माइनस का 20, यक्स का पावर इस घात 2 हो जाएगा, मतलब जिसे आप स्क्वायर बोलते हो, एक्स और ये यक्स हो गया। अब वाई तो इसमें है नहीं, इसमें है वाई, तो ये बेचारा ऐसे अकेले उतर जाएगा। लेकिन इसमें एक पद और भी है, तो इसको हम एक स्टेप में और कर देते हैं, आप चाहो तो एक साथ कर सकते हो, लेकिन एक साथ कुछ बच्चे नहीं समझ पाते, इस वजह से हम एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, बाकी आप एक ही बार में कर सकते हो। लास्ट वाला समझ नहीं आया, कविता राजपूत जी देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, 20 का गुणा करोगे 3 में तो आपको पता है 20 × 3 = 60 होगा, माइनस का 60 हो जाएगा, ये घात 2 है, ये घात 2 है, तो भैया ये 4 हो जाएगा, और ये y का 1 एंड 1 y का स्क्वायर हो जाएगा, ये फाइनल में आंसर हो जाएगा। देखिए लास्ट वाला किनको नहीं समझ में आया, जो x का पावर 0 था ना, इसको हमने बहुत अच्छे से कई बार बताया है, जब किसी भी वेरिएबल्स की घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, मतलब इसका मान क्या होगा, 1 होगा। अगर a का पावर 0 है तो इसका मान भी 1 होगा, d का पावर 0 है तो ये 1 होगा, y का पावर 0 है तो ये 1 होगा, मतलब a से लेकर के z तक के जो भी लेटर हैं अगर उसकी घात 0 है तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। आशीष चौहान अभी शेयर हुआ इतनी देर बाद, मतलब क्लास में छुट्टी हो गई तो बच्चे बुला रहे हो, कमाल के हो यार। देखो मैं बार बार बताता हूँ या 1000 बार बताऊँ, अगर बच्चे ज़्यादा जोड़ोगे तो क्लास ज़्यादा बड़ी चलेगी, अच्छी चलेगी, बच्चे कम रहेंगे तब भी क्लास चलेगी लेकिन क्लास छोटी चलेगी, बड़ी नहीं रहेगी क्लास।
चलो तो ये आपके हो गए सभी सवाल, तो इतना आप सभी समझ गए, बोलो जल्दी से यस। और जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए जल्दी से कर दें भाई, ये चीज कहने वाली बात नहीं है, आप लोग को खुद से समझना चाहिए। अगर हम यही बोलेंगे बीच बीच में तो क्लास डिस्टर्ब होगा ना, कि लाइक करो शेयर करो लाइक करो, अच्छा नहीं लगता ना। चलो अच्छा एक बात बताओ, अभी पिछली जब क्लास हम पढ़ाए थे, जिन बच्चों को मैथ नहीं आता है उनको हमने कहा था कि आप लोग स्क्वायर एंड वो क्यूब याद करके आना ना, याद किए आप लोग? बंटी पाल जी अभी आए हो ना, हाँ बहुत अच्छी बात है। क्या रॉन्ग है नेहा प्रजापति बताइए, नेहा प्रजापति बताइए आपके अनुसार क्या रॉन्ग हो रहा है? कर दिए कभी का, चलो ठीक है। अब अगला लिखो, अगला सवाल लिखो आप सभी बच्चे। यदि यक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2, लेकिन यार ये अलग का सवाल है का, एक खेत में 2x क्यारियां हैं, लिखो कुछ स्टोरी क्वेश्चन, एक खेत में 2x क्यारियां हैं, क्या हैं क्यारियां? क्यारियां मतलब जानते हो, सुने हो कि नहीं, कभी खेती किसानी देखे हो? अरे जहां पे पेड़ ओड़ लगाए जाते हैं सीधा सीधा लाइन में, उन्हीं को क्यारी बोलते हैं। क्या है 2x क्यारियां हैं, प्रत्येक क्यारी में एक्स वाई पंक्तियां हैं, पंक्ति मतलब जानते हो लाइनें, प्रत्येक क्यारी में, देखो ये हिंदी है बहुत कठिन है, अगर इंग्लिश होता तो हम लोग समझ जाते हैं। प्रत्येक क्यारी में एक्स वाई पंक्तियां हैं, पंक्तियां हैं तो पूछ रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में वाई का स्क्वायर टमाटर के पौधे लगे हैं, कितने लगे हैं? वाई का स्क्वायर टमाटर के पौधे लगे हैं। आगे लिखो, प्रत्येक पंक्ति में वाई का स्क्वायर टमाटर लगे हैं। अच्छा ये बताओ इसमें कौन कौन सवाल नहीं लिख रहा है? खाली हाथ देखोगे तो यहाँ तमाशा नहीं हो रहा, कुछ समझ में ना आएगा, एक भी अक्षर ना समझ में आएगा। अगर लिखोगे सवाल तभी समझ में आएगा, नहीं कुछ ना समझ में आएगा, याद रखना। सवाल उतारोगे कॉपी में तब समझ में आएगा। बड़ा क्वेश्चन, अच्छा ये बड़ा वाली क्लास देखो यार, चैनल नंबर 2 पे कॉम्पिटिशन वाला, चलो यहाँ पर आपके काम का नहीं है। तो ज्ञात कीजिए, पहला खेत में कुल कितने टमाटर के पौधे लगे हैं, टमाटर वाला बाद में करो, पहले लिखो कुल कितने पौधे लगे। तो ज्ञात कीजिए नंबर ए, कुल कितने पौधे लगे हैं, कुल कितने पौधे लगे हैं। देखो पहले सिंपल सी बात है, आपको एकदम शुरू से देखना है, एकदम स्टार्टिंग से कह रहा है कि एक खेत में 2x क्यारियां हैं, 2x क्या हैं क्यारियां हैं, क्यारी का मतलब जानते हो आप लोग? अरे यार जैसे एक कहते हैं देसी भाषा में कुआहा, जैसे मान लो एक कमरा है उसको कई पार्ट में बांट दो, ठीक है, या फिर कोई बड़ा खेत है तो उसको कई भाग में तोड़ दो, यही होता है क्यारी जहाँ तक हमारा समझ में है। प्रत्येक क्यारी में कह रहा है एक्स वाई पंक्तियाँ हैं और प्रत्येक पंक्ति में वाई का स्क्वायर टमाटर लगे हैं, तो पूछ रहा कुल कितने टमाटर लगे हैं, क्या करोगे बताओ? चलो सभी बच्चे बताएंगे, तो बच्चा देखो इसको हल कैसे करोगे, आप लिखोगे नीचे कुल पौधों की संख्या बराबर, कुल पौधों की संख्या बराबर, भाई देखो एक बड़ा सा खेत है, एक बड़ा सा खेत है उसमें कई पार्ट कर दिए, जैसा एग्जांपल देख लो नीचे आप समझ जाओगे। ये मान लो एक किसान का खेत है, कहाँ है ये किसान का खेत है। अब क्यारी समझो पहले, इसको हमने ऐसे ऐसे पार्ट कर दिए, ये क्यारी है, ये क्यारी नंबर 1 है, ये क्यारी नंबर 2 है, ये क्यारी नंबर 3 है, ये क्या हो गए, ये क्यारी है, मतलब ये पूरा खेत है, पूरे में 3 क्यारी हैं। अब इसमें और क्या बोला था,
प्रत्येक क्यारी में एक्स वाई पंक्तियां हैं। देखो ये पंक्तियां मैं बना देता हूँ, मान लो चलो 2 3 4 5 6 ये क्या है, पंक्तियां हैं। समझ में आ रहा है ये क्या है, पंक्तियां हैं। अब आगे देखो समझ में आया। अब अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ कुल कितने पौधे लगे हैं, तो भैया पूरे खेत में जितने पौधे हैं सब तो जोड़ोगे ना भाई, उसमें क्यारी भी आ जाएगी, पंक्ति भी आ जाएगी, सब आ जाएगा उसी में, है ना। बात समझ रहे हो ना। चलो सरप्राइज वाली क्लास, यार कल टेस्ट तो हुआ था, आज भी सरप्राइज लोगे का, कल टेस्ट हुआ था ना। ये कौन बेवकूफ़ है बर्थडे विश कर रहा है भाई, कौन बताया कि बर्थडे है, कौन बताया कि आज बर्थडे है। अच्छा मजाक बना रहे हो तुम लोग। चलो आगे देखो, तो कुल पौधों की संख्या बराबर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, क्यारियों की संख्या गुणे पंक्तियों की संख्या। जल्दी लिखो, क्यारियों की संख्या गुणे पंक्तियों की संख्या और गुणे पौधों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे पौधों की संख्या। यार ये दिमाग उमाग खराब है का लग रहा है। चलो आगे चलें, चलो ठीक है अब ध्यान दो, आगे चलते हैं हम लोग। देखो अब आगे समझो, चलिए ठीक है सरप्राइज वाला भी हो जाएगा भैया। देखो क्यारियों की संख्या कितना है, 2x है, और पंक्तियों की संख्या एक्स वाई है, और पौधों की संख्या कितना बच्चा दिया है, वाई का स्क्वायर दिया है। सब का गुणा कर लो, जो आएगा वही क्या होगा, वही आंसर होगा आपका, क्या होगा, वही आंसर होगा। तो देखो ये पावर 1 है और ये 1 है, ये 2 है, सबका गुणा करोगे 2x का स्क्वायर एंड y का क्यूब आएगा। बात समझ में आ गई ना, जल्दी छाप लो बच्चे, सभी बच्चे लिख लो, फटाफट लिख लो, देर मत करो एक भी सेकंड की, जल्दी से लिख लो, बड़ा मस्त सवाल है ये। अच्छा इसमें मैं एक सवाल और भी बना देता हूँ, चलो सभी बच्चे जल्दी से जाग जाओ फटाफट। यदि x बराबर 2 और y बराबर 3, x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3 रख दो, तो अब बताओ इसमें कुल कितने पौधे आएंगे। सभी बच्चे जवाब दीजिए, अगर x का मान 2 और y का मान हम 3 रख दें तो फिर कुल कितने पौधे होंगे। अगर किसी से कहोगे हमारे खेत में 2x² y³ पौधे लगे हैं, तो कहेगा ये बेवकूफ़ है क्या, ये कौन सी संख्या बता रहा है, वो समझे ना पाएगा इसका मतलब क्या है, है ना। समझ में आ रहा है ना भाई, कौन है ये जो बड़ा क्वेश्चन वाले हैं भैया, समझ लो बाबू यार, समझ लो दया शंकर जी, ये कंपटीशन की क्लास नहीं है, ये बड़े बच्चों की क्लास नहीं है, समझ में आया ना, ये छोटे बच्चों की क्लास है। आप जाके कॉम्पिटिशन वाली क्लास देखो, PBR स्टडी 2.0 चैनल पे चलेगी, 15 अक्टूबर के बाद से आपकी क्लासें हम कोशिश करेंगे आपको देने की, कंपटीशन की मैथ जाके देखो, यहाँ पे मत देखो, ये तुम लोग के काम का नहीं है। हो गया, लिख लो। तो देखिए आपके मन में जो भी सवाल है भाई, फटाफट कमेंट करते रहो, नहीं मैथ में कुछ भी नहीं आता, टेंशन मत लो, आपको मैथ आएगी, एकदम जीरो से सिखाएंगे, एकदम शून्य से सिखाएंगे, LKG UKG मान लो, लेकिन उसके लिए आप लोग को ईमानदारी से और रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इतना करोगे तो आपको मैथ आने लगेगा, बड़ी जल्दी आने लगेगा। चलिए तो आप एक सवाल लास्ट करेंगे, ये बताओ 12 का क्यूब कितना होता है। सभी बच्चे बताएंगे मैंने याद करवाया था 12 का क्यूब कितना होता है, जैसे स्क्वायर 144 होता है ना, वैसे घन क्या होता है उसका क्यूब, जवाब दीजिए। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से सभी बच्चे PBR स्टडी का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो आपको सारी क्लास की लिंक उसमें मिल जाएंगी, सारी क्लास की लिंक उसमें भेजी गई हैं। दया शंकर जी बहुत अच्छे बच्चे, वेरी गुड, 1728 होता है भाई, सही है। और लोग बताओ क्या इन्होंने सही बताया है। हाँ उजाला मौर्य कभी, बिल्कुल ठीक है,
तो 1728 होगा इसका क्यूब, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो बच्चे आज के लिए क्लास इतना ही भैया, यहीं पे ख़त्म होती है। रात 9 बजे से, यार आज तो संडे है, देखो हम 9 बजे आएंगे, आपको बताएंगे जो भी होगा, रात 9 बजे से लाइव आएंगे, फ़िलहाल हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलो तो सभी रेडी रहना, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर जगह अगर शेयर करोगे बच्चे ज़्यादा देखेंगे, व्यू ज़्यादा आएगा, लाइव ज़्यादा बच्चे आएंगे, तो हम सब यूट्यूब पर फ्री कर देंगे सारा कोर्स, आपको ऐप में कोई कोर्स नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी अगर कुछ निभाओगे तब, समझ रहे हो ना, और अगर इसको नहीं करोगे तो फिर वैसे चलेगा जैसे चल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं 9 बजे, ठीक है।